ओम शांति। आज है 4 मार्च 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा, नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। गीत, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह गीत बहुत अच्छा है, क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है और याद भी करते आए हैं तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसलिए फिर बाप को याद करते हैं, तो माँ को भी जरूर करेंगे। यह गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है। एक सेकंड में भारत में यह गायन है। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा, उनके ऊपर भी कोई होगा, क्योंकि इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है, तो सुखधाम की स्थापना करने वाला मात पिता भी चाहिए। कोई मात पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, कोई मात पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसा ही होगा। सत्युग में देखो, राधे कृष्ण है, उन्हों को पहली पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी तो राजकुमारी होगी और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों को शादी करनी ही है, यह तो बरोबर है। मात पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला, राम सीता को चंद्रवंशी राजाएं कैसे मिली, कलयुग के अंत में तो कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई से राजाई, जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। इसका नाम भी है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है, अच्छा वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, हल्की बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, गाते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया है, उनके बाद ही विनाश हुआ होगा, फिर राजयोग से सत्युग में राज्य पद पाया। यह है संगम। तुम लिख सकते हो, इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आकर समझो, चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। समझाने वाले शुरूढ़ बुद्धि समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह सब समझाने के लिए यह मेले प्रदर्शनी निकले हैं, ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, दिन प्रतिदिन चित्रादि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही हैं। कल्प पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। ऐसा कोई लिख ना सके कि यह प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली गई है, फिर कल्प के बाद निकलेगी।
एक ही बार कल्प के संगम पर यह प्रदर्शनी निकलती है अथवा 5000 वर्ष के बाद यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। यह सब देश देशांतर में जाएगी, नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते रहेंगे, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वो लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसलिए हमको कहते हैं आगे तुम क्या लिखते थे अब क्या लिख रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़े ही सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई है। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वह आधा घंटे में श्लोकंठ कर लेते हैं, मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा तो इतना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारे पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी पूरा न। उन्होंने तो 18 अध्याय में पूरा कर दिया, परंतु ऐसे तो है नहीं। ना कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं, सब भाषाएं एक तो नहीं सीख सकते। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़े ही समझाएगा, वह तो हिंदी में ही समझाते हैं। जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भगत तो अनेक हैं, भगवान एक है, कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। सबका बाप एक ही है, सबका गॉडफादर एक है, वह क्रिएटर है, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं, गॉडफादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे, यह बहुत गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, यह धीरे धीरे समझते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। भारत को ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहां देवी देवताएं राज्य करते थे, उसके बाद इस्लामी बौद्धी खंड स्थापन हुए। बिल्कुल सहज है, जिस समय जिसका सैंपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं, बाबा हम 4 दिन के बच्चे हैं, हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो कितने वर्षों तक भल आते रहते हैं परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते, कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आएंगे, तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है, बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो हमने क्या क्या प्रतिज्ञा की है। कई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है, इससे क्या फायदा। ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोत्रे पोत्रियां आदि रहने नहीं है। जिसने जो उठाया सो उठाया, न पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। यह सब दृष्टांत हैं, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो, विश्व के बादशाही बाप दे रहे हैं और क्या दे, बाकी रहा ही क्या। अपनी बेगरी जीवन है, इसमें देही अभिमानी बनना है। देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं, लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा।
कहा जाता है मांगने से मरना भला, शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है। अमृत वेले आपे ही उठने की आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने यह शरीर बहुत अनुभवी लिया है, वह भी रत्न यह भी ज्ञान रत्न। आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, सेकेंड में बाप से आकर वर्षा ले लो। ऊपर में बाबा यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जब से हम बाबा के बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही। बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियां कहती हैं बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं, जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएंगी। बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं, वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी हैं, फिर पति भी लिखें कि मुझे इसने ज्ञान दिया इसलिए यह मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है, ऐसे थोड़े ही कोई मानेंगे। माता गुरु बिगर कोई का उद्धार हो ना सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता ही गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं, बाप भी कहते हैं माता गुरु बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो जब माता द्वारा एडॉप्ट हो तब जीवन मुक्ति मिले, माता को गुरु समझना चाहिए। बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना है, माताओं को मर्तबा देना है, फॉलो करना है, देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरहंकारी समझना है। बाप भी अपने को निराकार समझते हैं, तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। यह सब बातें समझाने के लिए दी जाती हैं, सब में एकरस धारणा नहीं होती। पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है, सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ते लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है, मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सत्योगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे, उनको स्वर्ग कहा जाता है। पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है, जो मिले सो अच्छा मांगने से मरना भला। नंबर दो, अपना अहंकार न रख माताओं को मर्तबा देना है, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है, ज्ञान धन का दान करना है। वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो चार सब्जेक्ट है उन सब का एक दो के साथ संबंध है, जो ज्ञानी तु आत्मा है वह योगी तु आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर वन लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे।
माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अनमोल ज्ञान रत्न डायरी से, ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुंचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं, उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरों में फूले नहीं समाते हैं। यही निष्ठा योग की चाबी है जो हम दैवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति।